तो भाई यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, ये देख रहे हो, मिला ले भाई पैसा, पूरा पेमेंट कर दिया गया है और हम लोग जो है निकल रहे हैं। हाँ भैया सब दे दिए, टिप टाप सब देवल है, चप्पल चोर जा रहे हैं, चप्पल चोर। फिर अब अगला साल फिर आएगा मैं, फिर आएगा मैं। बाय 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 बाय, एकदम सर्विस एकदम मस्त। जय जगन्नाथ भाई, दुकान देख लो, आनंद मेला करके लिखा हुआ है, सी बीच के सामने में है, एकदम मस्त सर्विस है, सर्विस एकदम मस्त है। ये लोग का ये दोनों रहता है यहाँ पे, और जो है ना आप लोग भी आओ और यहीं पे रहना, सस्ता मस्ता बढ़िया है, एकदम मस्त है भाई, सर्विस एकदम मस्त है। ये भैया है यहाँ का जो है ना यहाँ पे काम काज करते हैं, एकदम इनसे मिलिए, अपना नंबर बता दीजिए, लिखो। हाँ बोल दीजिए नंबर, 8260761621। हाँ ठीक है, एक बार धीरे बोल दे भाई, वही यूट्यूब वाला देखेगा, और धीरे बोल दे नंबर, बोलिए ना एक बार धीरे धीरे, अच्छा ठीक है, मैं दे देगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देगा नंबर, ठीक है। आदमी मस्त है भाई, एकदम फ्रेंडली नेचर है, मजाक भी करता है, चाबी मेरे पास ना है ना, चाबी मेरे पास कहाँ है, इसका ना मूड चेंज होते रहता है। गाड़ी आ गया है, ये रहा अपना गाड़ी, कल जो भैया आया था ना वही है, ना गाड़ी भाई आ गया है, अभी हम लोग को यहाँ से अलविदा कहना है। देख रहे हो भाई सब सामान सब लोड हो रहा है, और अभी चलना है घूमने के लिए, घर नहीं जा रहे हैं, मतलब अभी घूमने जाना है, आगे बैठा था, तीन चार हम लोग जा रहे हैं, यही जगह रहिए, आप यही जगह रहिए, मतलब जल्दी जल्दी फिर से आ गया भाई, बाय बाय कर रहा है, और अब आएंगे 1500 रुपए रेंट, देख अरे चलो चलो आज 1500 लगा रहा, फिर ठीक नहीं आएगा, ठीक है, वो गांव में जितने लोग है ना समझ रखी नहीं, एक बांटो हां माय गॉड, सब तरफ खाली समुद्र है ना, मीठा वाली उठा करो, गरम गरम मीठा वाली उठा करो, नहीं मेरे को ना खाना, यहाँ उड़ना बताइए तो जी, कहाँ उड़ता है, उड़ाता है, कौन कौन में उड़ाता भी होगा, उड़ता है तब कोई उड़ने वाला रहे, स्टीमर तो है, है। क्या नाम है जगह का, तो भाई ये जो जगह है ना इसका नाम शायद कोणार्क रिट्रीट, ये भाई सामने से बोट देख लो, ये वाला बहुत स्पीड भागेगा नहीं, कलही वाला टाइप है भाई। अभी सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे, गंदा हो जाएगा पूरा, इको रिट्रीट उड़ीसा, और क्या मतलब कि यहाँ का व्यू है, ये कुछ इस तरह का लगता है भाई यहाँ आपका, थोड़ा सा अलग है और जगह से, भाई आइसक्रीम 10 का आइसक्रीम है, एकदम मस्त बना है और बहुत टेस्टी, देखने के लिए कुछ नहीं था, बीच है बस, और थोड़ा सा अगर कोई गाड़ी सब चलाएगा तो, अब इसके बाद फिर जाना है, तो भाई फिर 10 मिनट बाद फिर से गाड़ी रुका है, और यहाँ पे जो है ना चंद्रबागा बीच करके है एक जगह, वहाँ पे अभी चलते हैं उधर, यहाँ से तो लग रहा है बढ़िया है भाई, यहाँ पर ना काजू बहुत सस्ता मिलता है सुनने में आया है, कैसे भाई काजू भाई जी, 400-500 रुपए किलो पर केजी, देख रहे हो भाई दुकान,
ये कुछ इस तरह का लगता है भाई यहाँ पे चंद्रभागा बीच। सब तरह लगभग लगभग सेम है, यहाँ पे गाड़ी सब भी है। देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ पहुँच गया है सीप, सब कहाँ कहाँ पहुँच गया, कितना दूर दूर में। ये देख रहे हो भाई लोग कितना मस्त लग रहा है ना भाई, गजब है एकदम। इतना ऊंचा में और एकदम इतना बढ़िया बनाया हुआ है। अरे यहाँ तो आराम कर रहे हैं ना। सही भाई अभी जो है ना हम लोग हैं लिंगराज टेंपल में, अंदर जो है ना फोटो लेना बंद है, इसलिए हम लोग बस कल बाहर फोटो ले रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब, ये कुछ इस तरह का लगता है। इधर है मंदिर, उधर था तालाब, और यहाँ पे अपना ग्रुप सब कोई जा रहा है। काफी बड़ा स्पेस है भाई, मोबाइल देख रहे हो भाई बाहर में, खुद एकदम जमा करवा देता हूँ। कौन सा सागर का इसको सागर, अरे पहले दूसरा लो, सागर वाला को उठा दो, इसका सारा मोबाइल लो, मोबाइल लो, मनी का भी है। पार्क खंडगिरी, ये क्या है देखिए तो, ये पेड़ में है। तो भाई यहाँ पे है बंदर, इतना बड़ा बड़ा बंदर है। मोबाइल वोबाइल लूटता है। पकड़े हुए भी है ना, ये अपना छुआ को ले लेके घूम रहा है। दोना ओए, एक दो बिस्किट देना मेरे को। सब बिस्किट के लिए मेरे से लेता ही नहीं है तो। अरे कितना खा पाएगा वो, मतलब उसको तो उसको पार्ले जी खाए, उधर खाएगा बादाम खाएगा। लेने ना किया पेट भरा हुआ है, चलो ट्रेन का पूरा एकदम हम लोग का ना लेट हो जाएगा भाई, 2 घंटा में ट्रेन है और पहुंचना भी है स्टेशन, तो अभी निकलते हैं। सब कोई शाम में बैठ रहा है अभी, अब चिड़ियाघर से निकल के, और सबको बैठो, चलो जल्दी जल्दी फटाक फटाक बैठो। फाइनली भाई भुवनेश्वर स्टेशन,
हम जाके बता देगा। तुम ऐसा करती है भाई। अभी अचानक से अभी जो है ना ट्रेन के यहाँ पे बैठे हुए हैं सीट पे और अभी जा रहे हैं। अभी हम लोग सबसे पहले तो अभी डिनर करेंगे, उसके बाद फिर कुछ कुछ होगा। तो भाई लोग अभी जो है ना हम लोग अभी जस्ट उतरे हैं ट्रेन से अपना हटिया स्टेशन में और इसके बाद फिर हम लोग अभी अब ऑटो करके अपना घर की तरफ चलेंगे। चलो चलो अपना बटालियन भाई पूरा एकदम सब कोई अभी अभी जस्ट उतरा है ट्रेन से और पूरा भीड़ है एकदम यहाँ पर। फाइनली भाई हम लोग घर में आ गए हैं। ओह माय गॉड क्या हो गया ये प्याज भाई, देख रहे हो प्याज कैसे हो गया, 6-7 दिन में पूरा अंकुर गया है। सब बैग सबको ले चलो। ओह माय गॉड अपना इधर सब घर गाड़ी सब है भाई, इतना दिन से गाड़ी नहीं चलाया एकदम, आज तो निकाल देंगे ही गाड़ी को। इधर है अपना ऑटो। कहाँ है सब कोई? नानी होगी इधर, बहुत देर नानी बैठी हुई है। कहाँ है बत्तख? बड़ा हो गया बत्तख भी ना, खसी का भी लुक चेंज हो गया ऐसे लग रहा है। ये देख तो खसी, इसका भी लुक चेंज हो गया, थोड़ा सा व्हाइट हो गया ज्यादा। अच्छा तो भाई फिलहाल अपने रूम में आ गए हैं और फिलहाल जो है ना इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कि फिर से किसी नए ब्लॉग में, क्योंकि अभी जो है ना अपने को जाना है फिर से अपना बिजनेस आलू प्याज के लिए लाने के लिए और क्या क्या भाव मिलता है। आज एक सप्ताह हो गया लगभग गया हुआ, तो आज जाते हैं मार्केट और देखते हैं कैसे है लहसुन और कैसे प्याज सब है। तब तक के लिए भाई बाय बाय बाय।